प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रीवा दौरे को लेकर पुलिस अलर्ट, आसमान से ड्रोन और जमीन पर 3500 पुलिस बल करेगा निगरानी, 150 राजपत्रित अधिकारी रहेंगे तैनात, चप्पे चप्पे पर तैनात रहेंगे जवान। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रीवा दौरे को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। प्रधानमंत्री की निगरानी में चप्पे चप्पे पर पुलिस का कड़ा पहरा रहेगा, आसमान से ड्रोन कैमरे से नजर रखी जाएगी तो जमीन पर 150 राजपत्रित अधिकारियों के साथ 3000 से अधिक पुलिस बल सुरक्षा में तैनात रहेगा। पूरी सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी SPG करेगी। 21 को SPG की टीम रीवा पहुंचेगी। गौरतलब है कि 24 अप्रैल को रीवा के SAF मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली सभा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। मोदी के दौरे से पहले SP विवेक सिंह के निर्देश पर रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस, होटल एवं ढाबों में चेकिंग कर ठहरने वाले लोगों की जानकारियां ली जा रही है। इसके साथ ही सड़क पर वाहनों की भी तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने बताया कि कार्यक्रम से 3 से 4 दिन पहले SPG की टीम रीवा पहुंचेगी। आवश्यकता अनुसार सभी हाईटेक उपकरणों से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाएगी। शहर के अंदर आने वाले वाहनों के साथ ही होटल और सार्वजनिक स्थलों पर विशेष नजर रखी जा रही है, जिसके लिए CSP के नेतृत्व में शहर के सभी थाना प्रभारी चेकिंग करने में लगे हुए हैं। हर गाड़ियों के नंबर एवं उनकी जानकारी जुटाई जा रही है तथा वे कहां से आ रहे हैं और कहां जाना है उसकी भी सूची तैयार की जा रही है। होटल के रिसेप्शन में रखे रजिस्टर और डायरी को चेक कर आने वाले लोगों की जानकारी ली जा रही है। साथ ही होटल संचालकों को हिदायत दी गई है कि बिना ID प्रूफ के कोई भी होटल में नहीं किसी को ठहराएगा, ऐसा मिला तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी SAF ग्राउंड में होने वाली सभा को लेकर सख्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहेगा। इसके साथ ही ग्राउंड में प्रवेश करने वालों को मेटल डिटेक्टर से होकर गुजरना पड़ेगा। यहां सामानों की जांच के लिए स्कैनर भी लगाए गए हैं। PM की सुरक्षा को देखते हुए रात में शहर के सभी प्रवेश नाकों पर वाहनों की सघन जाँच की जा रही है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में 150 राजपत्रित अधिकारियों में ADGP, DIG, SP, एडिशनल SP, DSP के अधिकारी मौजूद रहेंगे। वहीं इसके अलावा इंस्पेक्टर, ASI से लेकर 3000 से लेकर 3500 तक के आरक्षकों का सुरक्षा घेरा रहेगा। सुरक्षा की दृष्टि से डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को रीवा में होने वाले आयोजित पंचायती राज दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा पहुंचकर हाल ही में व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया था। उन्होंने अधिकारियों को व्यवस्था को लेकर कई निर्देश भी दिए हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री का विंध की धरा पर परंपरा अनुसार ऐतिहासिक स्वागत हो, इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा में 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की तैयारियों का SAF ग्राउंड पहुंचकर जायजा लिया था। उन्होंने अधिकारियों की बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को करीब 7000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। वहीं रीवा से भोपाल के लिए वंदे भारत ट्रेन को भी मोदी दिखा सकते हैं हरी झंडी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की दूसरी वंदे भारत ट्रेन रीवा से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के बीच चल सकती है। इस बात की पुष्टि पश्चिम मध्य रेल के अधिकारियों द्वारा की जा रही तैयारियों ने कर दी है। अपने रीवा दौरे पर आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखा सकते हैं। हालांकि अभी ये तय नहीं हुआ है कि PM मोदी रीवा रेलवे स्टेशन जाएंगे या नहीं। सूत्रों का कहना है कि मोदी वर्चुअल रूप से भी हरी झंडी दिखा सकते हैं। रेलवे सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार पहले दिन करीब 350 छात्रों को वंदे भारत ट्रेन में सतना तक सफ़र कराया जाएगा। कक्षा 8वीं से 12वीं तक के छात्र सतना तक वंदे भारत ट्रेन से सफ़र करेंगे। सतना से इन छात्रों को वापस रीवा लाने की जिम्मेदारी स्थानीय रेल प्रशासन की होगी। प्रस्तुत है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर CDSP शिवाली चतुर्वेदी से प्राप्त जानकारी के अंश। रात्रि गश्त अभियान चलाया जा रहा है पुलिस द्वारा, क्या इसका उद्देश्य, किस तरह की चेकिंग कार्रवाई चल रही है? ये प्रधानमंत्री महोदय का रीवा भ्रमण कार्यक्रम प्रस्तावित है रीवा में दिनांक 24 तारीख को। उसी के उपलक्ष्य में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर लगातार शहर में और आउटर पॉइंटों पर चेकिंग की जा रही है। और ये सघन चेकिंग है जो आम चेकिंग से थोड़ी सी भिन्न है, और इसमें हम पूरी डिटेल रख रहे हैं। साथ ही इसमें आने जाने वाले व्यक्ति जो बाहर से आते हैं उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर, आने का कारण, और इसी क्रम में होटल, लॉज, ढाबा इत्यादि की भी चेकिंग की जा रही है। और जहां पर कार्यक्रम प्रस्तावित है वहां आसपास लोगों का वेरिफिकेशन भी करवाया जा रहा है, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 24 तारीख को अपने यहाँ पंचायती राज दिवस का एक बड़ा कार्यक्रम है, और उसमें जो हितग्राही हैं विभिन्न कार्यक्रमों के, जिसमें
पंचायती राज दिवस के अंतर्गत अपने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के हितग्राहियों का गृह प्रवेशम का कार्यक्रम है, जिसमें पूरे प्रदेश भर से लगभग 4 लाख हितग्राहियों के गृह प्रवेश कराए जाएंगे। साथ ही जल मिशन के अपने कई सारे काम हैं, लगभग 7,000 से अधिक की परियोजनाएं हैं जो रीवा, सतना और सीधी जिलों को लाभान्वित करेंगे, उनका भूमि पूजन है। तो इस तरीके से महत्वपूर्ण कामों की एक तैयारी पंचायती राज दिवस के लिए की गई है। इसमें अपना जो मंच स्थलीय और सभा स्थल का काम है वो लगातार फुल पेस पे चल रहा है। पार्किंग कहाँ रहेंगी शहर में, उस दिन डाइवर्जन किस किस तरफ से रहेंगे, क्योंकि कई जगह हमारी जो पार्किंग प्लान है या मूवमेंट प्लान है उसके अनुसार शहर में डाइवर्जन्स रहेंगे। इन सभी को लेकर के भी तैयारियां लगभग पूर्णता की ओर हैं, और जो डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो नगर निगम हो, पुलिस हो, प्रशासन हो, सभी अपने द्रुत गति से काम कर रहे हैं, ताकि तय समय सीमा में हम लोग काम अपने संपन्न